नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। हकीकत में गरीबों को न्याय मिलता नहीं है, पर यह सच कोई किसी से कहता नहीं है। बनके एक हादसा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा। चोर चक्कों की करो कद्र की मालूम नहीं कौन कब कौन सी सरकार में आ जाएगा। जी हाँ, यही हो रहा है। अन्याय करने वाला ताकतवर हो तो न्याय मिलने में कठिनाई होती है, परंतु न्याय मिलता जरूर है। अपनी आंखों के सामने अन्याय होते हुए देख चुप रहना भी अन्याय करने के ही समान है। दरअसल सागर जिले का बहुचर्चित सेमरा लहरिया मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। ब्राह्मणों के एकजुट होकर प्रदर्शन के बाद एमपी की राजनीति में भूचाल आ गया है। जहां एक ओर सागर एसपी एक महीने की छुट्टी पर चले गए हैं, वहीं दूसरी ओर इस पूरे मामले में सियासत गर्मा गई है। इसी क्रम में पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव ने भी इस मामले की निष्पक्ष सीबीआई जांच की बात कही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि गिरफ्तार आरोपी माफिया नहीं थे। उन्होंने इस मामले में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें कही है, सुनिए जरा। नरयावली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सेमरा लहरिया में जो पिछले दिनों एक घटना घटित हुई थी, जिसमें कि घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी और एक लड़की बहुत ही गंभीर रूप से घायल हुई थी। दोनों अलग अलग समाजों के थे। इनके बारे में शुरुआती बात जब सामने आई तो पुलिस ने कार्रवाई की और एक पक्ष के चार लोगों के लिए धारा 302 में जेल भेज दिया। इसके अलावा वो जो पक्ष था, जो आरोपी पक्ष माना गया, उस पक्ष के घर को भी ढहा दिया गया। और जो लड़की घायल हुई थी, गंभीर रूप से घायल है, अभी वर्तमान में वो भोपाल के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज है और उसका बहुत गंभीर रूप से जलने का इलाज चल रहा है। 70% तक वह जल चुकी है। उसके कथन न लिए गए और एक पक्षी कार्रवाई हुई तो उसमें जो कंप्लेनेंट था, जो रिपोर्टकर्ता लोग थे, उन लोगों के कथनानुसार सारी की सारी कार्रवाई चलती रही। इस बात को लेके मतलब जैसी मुझे जानकारी है कि फिर ब्राह्मण समाज के बहुत लोगों ने एकत्रित होके और सागर में प्रोटेस्ट किया, आंदोलन किया। अभी इस तारीख को हजारों लोग उसमें इकट्ठे हुए और सभी ने मांग की। इसके पूर्व में मेरी मुख्यमंत्री जी से चर्चा हो चुकी थी 29 तारीख को, एक दिन पहले। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि न्याय होगा और इस प्रकरण उसकी प्रकरण बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है, इस कारण से इसकी हम सीबीआई से जांच करवा लेते हैं। सभी की मांग भी थी कि हम सीबीआई से जांच चाहते हैं, तो सीबीआई से जांच का आदेश मुख्यमंत्री ने कर दिया। उस बच्ची के इलाज की भी समुचित व्यवस्था कर दी। घर जो ढहा था, क्योंकि कोई माफिया नहीं था, कोई गुंडा नहीं था, तो एक अचानक वो सर्कमस्टेंशियल पूरा इंसिडेंट था, कुंडला के एक तरफा प्रेम का, जैसे कि लोग बताते हैं। अब वो जांच के बाद सारे विषय स्पष्ट होंगे, लेकिन मैं फिलहाल इसके बारे में कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ कि बात घटना क्या है। मैं चक्षुदर्शी भी नहीं हूँ और चक्षुदर्शी शायद कोई व्यक्ति उसमें है नहीं, और इस कारण से उसके डाइंग डिक्लेरेशन के आधार पर कायमी की गई और तुरंत उसके बाद में गिरफ्तार भी कर लिया गया। अब जब मामला आगे बढ़ा कि नहीं, वो तो मामला अन्य प्रकार का था। रात के 2 बजे कोई व्यक्ति किसी के परिवार में घर में घुसा और उसने ज्यादती करने की कोशिश की और एक तरफा प्रेम का इजहार किया, उसके बाद में आत्महत्या हुई और लड़की भी गया। बहरहाल इस मामले में किस तरीके से निष्पक्ष जांच होती है, देखने वाली बात होगी। लेकिन हमारे देश में सभी को न्याय का पूरा हक है, पर कुछ गरीब और कमजोर लोग इससे वंचित रह जाते हैं, क्योंकि उनको अपने अधिकार तक पता नहीं होते हैं, जिसके कारण उनकी आवाज को दबा दिया जाता है। और बहुत से लोग तो यह भी कहते हैं कि हमारे देश में गरीबों को न्याय प्राप्त नहीं होता, लेकिन ये असत्य है। लड़ना पड़ती है लड़ाई, सत्यता की जीत जरूर होती है। अभी के लिए इतना ही, लेकिन चलते चलते चंद पंक्तियां और। दागदार हुआ है मजहब कुछ नीच इंसानों से, खुदा और राम भी शर्मिंदा है इन हैवानों से। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सागर टाइम्स न्यूज़।